मैं दिनेश कुमार, मंडल अध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मंच अलीगढ़ मंडल। मैं इस नववर्ष पर भारतवर्ष के सभी सम्मानित नागरिक, जिसके अंतर्गत सभी जवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि नव वर्ष उनके जीवन में खुशियां लेकर आए और उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो, आवश्यकताएं पूरी हों। और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि यह जो हमारी सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, 2024 में चुनाव भी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम देशवासी उनके साथ हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो कुछ देश की वास्तविक समस्याएं हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं कहीं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिस पे खुद वो सरकार में आए हुए हैं, जो उनके संकल्प पत्र में हुआ करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती, ये सारे मुद्दे वो पीछे छूटते जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में तैयारी कर रहे हैं और भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, सरकार इसमें भी पीछे छूटी है। तो नए सत्र में मैं चाहूंगा, इस नए साल में सरकार भी कुछ वास्तविक मुद्दे पर काम करे, जिससे वास्तविक जो जनमानस है वह संतुष्ट हो और सरकार की ये जन कल्याणकारी नीतियां उसे आगे बढ़ाएं। उसके साथ ही साथ हम जिस संगठन, जिस यूनियन से जुड़े हुए हैं, हम एक करोड़ शिक्षक कर्मचारी पूरे भारत के, यही चाहेंगे कि इस नए सत्र में और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है, हमारे जो भविष्य को प्रकाश देने वाली हमारी पुरानी पेंशन है, सरकार उसे ओपीएस को बहाल करे। हम सरकार के साथ रहेंगे, सरकार से मांग है। और लेकिन इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर हमें हमारी बुढ़ापे की लाठी ओपीएस नहीं दी जाती है और विपक्ष के लोग तैयार बैठे हैं, तो कहीं न कहीं से हम फिर अपने ओपीएस के मुद्दे पर मजबूर होंगे कि हम 2024 में बदलाव लाएं। इसके साथ ही साथ मैं फिर से एक बार अपने देश के सभी प्यारी जनता को, सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद।